and welcome to my channel. I am Madhurima Sharma and today I am going to talk about emergence of global civil society. So let's start. What is civil society? First, I will discuss what is civil society. So according to World Bank, civil society refers to a wide array of organizations like community groups, non-governmental organization, labor union, indigenous group, charitable organizations, faith-based organization, professional association and foundation. सिविल सोसाइटी अगर हम लोग बात करें तो हिस्ट्री में, इन इंडियन हिस्ट्री, हमारे हिस्ट्री में दान एंड सेवा जो है वो कल्चर रहा है, हमेशा से अभी भी है. सो द कल्चर ऑफ दान, दैट इज़ गिविंग एंड सेवा द सर्विस, हैज़ बिन प्रिवेलिंग फॉर एजेस. दिस कल्चर कैन बी अलाइन विद द कॉन्सेप्ट ऑफ सिविल सोसाइटी. मतलब हम लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं, हेल्प जो कि नीडी है उनको हेल्प देते हैं, ठीक है. सो वी कैन से दिस कल्चर कैन बी अलाइन विद द कॉन्सेप्ट ऑफ सिविल सोसाइटी. इस ये जो कॉन्सेप्ट है इससे सिविल सोसाइटी बन पाया है. कोई भी सिविल सोसाइटी जो होता है जो कि नॉन गवर्नमेंटल है, इसमें गवर्नमेंट का कोई रूल्स नहीं है, लॉज नहीं है, जो अलग से सोसाइटी होती है जो कि हेल्प करती है नीडी के लिए. अब वो किसी टाइप का भी हेल्प हो सकता है, पुअर को फूड प्रोवाइड करना, रूरल एरियाज में एजुकेशन प्रोवाइड करना, वट एवर. द अर्ली मिडाइवल एरा मार्क द प्रेजेंस ऑफ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन विद अ मेजर फोकस ऑन कल्चर प्रमोशन, नेचुरल डिजास्टर रिलीफ, एजुकेशन एंड हेल्थ. सो ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल दिस ऑर्गेनाइजेशन प्रोलिफरेटेड, वर्किंग टू इम्प्रूव द सोशल वेलफेयर एंड लिटरेसी एंड परसुइंग रिलीफ प्रोजेक्ट. द स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ सिविल सोसाइटी आइडेंटिफाइज इट एज अ स्पेस आउटसाइड द गवर्नमेंट फैमिली एंड मार्केट, अ प्लेस वेयर इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन एडवांस एलिजली कॉमन इंटरेस्ट. ठीक है, तो इसमें गवर्नमेंट का कोई मतलब रूल नहीं रहता कि गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग कुछ नहीं करना. इट इज़ आउटसाइड ऑफ द गवर्नमेंट. सब लोग मिलके पार्टिसिपेट करके एक कॉमन इंटरेस्ट के साथ काम करते हैं. ठीक है, अगर हम लोग इंडिया में बात करें, इन इंडिया द हाउ द ग्रोथ ऑफ सिविल सोसाइटी, कैसे ग्रोथ हुआ सिविल सोसाइटी का, कैन बी ट्रेस लार्जली थ्रू थ्री मेन फेजेस. ठीक है, तो द फर्स्ट वन इज़ द पीरियड ऑफ नेहरू, characterized by civil society that was controlled by the elites. Second is the regime of Indira Gandhi, in which mass-based civil society is said to have emerged. Third is the Congress government and a structural adjustment program characterized by the drastic rise of NGO activities in India followed by professionalization of these NGO. हम लोग कभी कभी सिविल सोसाइटी को थर्ड सेक्टर भी बोल सकते हैं. ठीक है, थर्ड सेक्टर. ठीक है, and it has the power to influence the action of the elected policy maker and business. Mobilize करता है कि चीज़ें बहुत easily हो सकें. इसमें technological development का भी बहुत अच्छा role play है society के अच्छे के लिए, growth के लिए. अब global civil society क्या है? Global means entire world. Civil society एक ऐसा society है, एक ऐसा organization है जो कि हम लोगों को, ज़रूरतमंदों की हेल्प करता है, प्रोवाइड करता है बेटर एजुकेशन, हेल्थ सेक्टर में वाइड, मतलब वाइड एरिया है इसका. ठीक है, अगर हम लोग ग्लोबल सिविल सोसाइटी की बात करते हैं तो इट इज़ अ स्पेक्ट्रम ऑफ डाइवर्स सोशल एक्टर. बहुत सारे सोशल एक्टर का जो है वो रोल प्ले करते हैं, विच ऑफर्स एन ऑल्टरनेटिव टू द मेकिंग ऑफ कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स एंड टूवर्ड्स सोशल चेंजेस. इट प्रोवाइड्स अस विद अ न्यू अप्रोच टू चेंज द एग्जिस्टिंग ग्लोबल ऑर्डर through development rather than confrontation. So global civil society has started to work with promote a truly democratic and participatory public sphere at a global level. मतलब कि हम लोग सब participate कर, जो common citizens हैं, हर एक country के जो citizens हैं, सबका एक group हुआ, obviously public sphere है, सब लोग साथ में मिलकर काम करें. उसमें media का भी बहुत important role play रहता है, social media का या new media का. तो इस तरह से participate करके एट अ ग्लोबल लेवल जो है ये बहुत मतलब हेल्प कर, वर्क करता है. ठीक है, इन सेंस इट हैज़ बिकम अ ग्लोबल पब्लिक स्फीयर कंप्राइजिंग एक्टिव सिटीजनशिप, ग्रोइंग सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन आउटसाइड फॉर्मल पॉलिटिकल जियोग्राफीज. ठीक है, जो ग्लोबल सिविल सोसाइटी इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ रेलम ऑफ सोशियो पॉलिटिकल एक्टिविटी क्रिएटेड डोमेस्टिकली एंड इंटरनेशनली बाय द एक्सपेंशन ऑफ कैपिटलिस्ट सोशल रिलेशन वेयर मॉडर्न सोशल मूवमेंट परस्यूड दे स्टार्टेड गोल. तो उसमें सोशल मूवमेंट जो है उसका भी इम्पॉर्टेंट रोल. सोशल मूवमेंट जो जनरली हम लोग देखते हैं, सोशल मूवमेंट्स जो होता है, जब मीडिया नहीं था तब भी सोशल मूवमेंट्स
हो रहे थे। अभी सोशल मीडिया है तो बहुत ही इजीली जो है जो भी एक्टिविस्ट है उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले, जो कॉमन सिटीजन है उनका भी रोल प्ले होता है। एक सोसाइटी बन गया, एक ग्रुप बन जाता है, एक ऑर्गेनाइजेशन जो साथ मिल के कुछ काम करते हैं। द मेन एजेंसीज एसोसिएटेड विद द राइज ऑफ ग्लोबल सिविल सोसाइटी आर एनजीओज एंड ट्रांसनेशनल एडवोकेसी ग्रुप एक्सेट्रा। एग्जाम्पल ऑफ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड, अगर हम लोग ग्लोबल सिविल सोसाइटी की बात करें, टिपिकली रिफर्स टू नॉन गवर्नमेंटल ग्रुप सच एज एमनेस्टी इंटरनेशनल, ग्रीन पीस एंड द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, एज वेल एज लेस फॉर्मल नेटवर्क्स ऑफ एक्टिविस्ट एंड सिटीजन। जैसा हमने बताया, जैसा हमने बात किया कि जो एक्टिविस्ट होते हैं वो भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सिटीजन्स को, या फिर जो भी लोग हैं जो जो नीडी हैं उनको उनको इन्फॉर्मेशन पहुँचाने में, या चीज़ जो भी जिनको नहीं पता उनको हेल्प करने के लिए बहुत मतलब उनको हेल्प करने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट उनका रोल प्ले रहता है, रोल प्ले करते हैं। ठीक है, अब वो किसी के भी थ्रू हो, जनरली मीडिया ही है, ऑब्वियसली मीडिया से ही हम लोग बहुत चीज़ें बता सकते हैं, या जाके जैसे मान लो किसी विलेज में हैं, विलेज में हेल्थ का प्रॉब्लम है या एजुकेशन का प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत काम करता है। तो इसमें क्या क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं, चर्चेज एंड अदर फेथ बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, ऑनलाइन ग्रुप, सोशल मीडिया कम्युनिटीज, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एंड अदर नॉन प्रॉफिट जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, यूनियंस एंड अदर कलेक्टिव बार्गेनिंग ग्रुप, इनोवेटर एंटरप्रेन्योर एंड एक्टिविस्ट, कोऑपरेटिव्स एंड कलेक्टिव्स। तो ये सब एग्जांपल्स हैं सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के। जो ग्लोबल सिविल सोसाइटी इज प्राइमरीली कंसर्न विद द इशू दैट आर ट्रांसनेशनल इन नेचर, फॉर एग्जांपल इन एड्रेसिंग द इशू ऑफ क्लाइमेट चेंज के बारे में डिस्कस करना, जो भी इशू है इस पे काम करना, तो उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन बनना। वेरियस सिविक एसोसिएशन एंड इंटरनेशनल जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हैव कैंपेन ऑन द इकोलॉजिकल प्रॉब्लम लाइक द लॉस ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर। ये सब एग्जाम्पल्स है, इन सब चीज़ों के लिए डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। न्यू सोशल मूवमेंट एंड नॉन गवर्नमेंटल जो ऑर्गेनाइजेशन दैट हाईलाइट्स इशू सच एज द राइट ऑफ इंडिजीनियस पीपल, एनिमल राइट एंड एनवायरमेंटलिज्म प्रेजेंट टू कॉम्प्लीमेंट्री चैलेंज टू नेशन एंड स्टेट। तो ये सब जो ऑर्गेनाइजेशन है इनका मेन यही काम होता है कि जो भी इशूज है उस पर काम करना और हेल्प करना, जो कि नेशन में और इंटायर वर्ल्ड में जो है वो हेल्प मिल सके। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया, छोटा सा वीडियो था, एक बहुत ही सिंपल सा टॉपिक था, ठीक है, ग्लोबल सिविल सोसाइटी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, आपके लाइक्स नहीं आते हैं मेरे वीडियोस पे, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए मेरे वीडियोस को, थैंक यू, और ये सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।